नमस्कार, मैं ज्योति का आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ खस्ता मेथी की मठरी। अगर आप मेथी की सब्जी खा खा कर पक चुके हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। यहाँ पे हम टी टाइम स्नैक्स बना के तैयार कर रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यम्मी लगता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तैयार होता है ये। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे 100 ग्राम मेथी, और इसे मैंने अच्छे से धो के फाइन चॉप करके ले लेना है। तो इसे ऐसे कट करके लेने के बाद अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो एक पैन में हम पहले ऑयल गरम करेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 चम्मच ऑयल ले रही हूँ और इसे अच्छे से हम गरम करेंगे। पहले यहाँ पे पहले हम हाई फ्लेम पे इसे पकाएंगे, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो यहाँ पे पहले हमें 5 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पे ही ऐसे पकाना है। तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए पूरा का पूरा इसके अंदर से मॉइस्चर जब तक ना निकल जाए तब तक हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। जब 5 मिनट हो जाए, ऐसे गल जाए, तब हम इसके फ्लेम को लो कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम धीरे धीरे पकाएंगे। तो इसे पकने में 7 से 8 मिनट लग सकते हैं। तो यहाँ पे इसे अच्छे तरह से पकाना बहुत ज़रूरी है, वरना मेथी से कड़वापन जाता नहीं है। तो ये देखिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। जब हम आटा लगा लेंगे, तो यहाँ पर आटा लगाने के लिए हम 1 कप पहले सूजी लेंगे। यहाँ पे हम गेहूं के आटे से तैयार कर रहे हैं, तो 2 कप हम गेहूं का आटा ले लेंगे। आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं पूरा। उसके बाद यहाँ पे 1/2 चम्मच हम अजवाइन ले लेंगे और इसे हम हाथों की मदद से थोड़ा रफ करके डालेंगे ताकि इसका टेस्ट बढ़ जाए। इसके बाद इसमें हम 2 चम्मच वाइट सफ़ेद तिल डालेंगे, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच नमक लेना है। 1/3 यहाँ पे हल्दी पाउडर लेंगे और 1 चम्मच यहाँ पे हम चीनी का पाउडर लेंगे, जिसके वजह से यहाँ पे मेथी का कड़वापन हम बैलेंस कर सके। उसके बाद यहाँ पे हमें मेथी को ले लेना है। अब हम इन सभी को एक साथ मिक्स कर देंगे। तो पहले हम इसे हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से मसलते हुए मिक्स करना है। तो इस तरीके से मिक्स होने के बाद अब हम इसके अंदर मोयम लगाएंगे। तो मोयम के लिए यहाँ पे मैंने 5 चम्मच ऑयल यूज़ किया है। आप ऑयल की जगह पे घी भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ऑयल डालने के बाद हम इसे अच्छे से मोयम लगा के ले लेंगे। यहाँ पे मोयम लगाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना यहाँ पे मेथी की मठरियाँ खस्ता बिल्कुल नहीं बन के तैयार होंगी। तो यहाँ पे इसे अच्छे से मोयम लगा लें। तो इस तरीके से देखिए मोयम लग चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और बढ़िया सा आटा तैयार करके ले लेना है। तो यहाँ पे इसका आटा थोड़ा सा टाइट हम तैयार करेंगे, क्योंकि हम खस्ता और मठरिया बना के तैयार कर रहे हैं। तो ज़्यादा आटा यहाँ पे लूज़ नहीं रहेगा, हम थोड़ा सा टाइट ही आटा लगाएंगे। और इसमें हमने सूजी ऐड की है, तो जब सूजी फूलेगी तो वो और भी ज़्यादा टाइट हो जाएगी, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हल्का सा हम टाइट लगाएंगे, रेगुलर आटा जैसे लगाते हैं उस हिसाब से थोड़ा सा टाइट हम आटा लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आटा हमने गूंद के तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमने सख्त आटा तैयार करके लिया है। तो इस तरीके से आटा तैयार करके लेने के बाद अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पे इसके बाद हमें यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लेना है। एक बाउल में हम 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और उसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। करीब यहाँ पे 5 टीस्पून के करीब हम यहाँ पे ऑयल डालेंगे और यहाँ पे हमें पेस्ट बना के ले लेना है। इस पेस्ट को हम जब मठरी बनाएंगे तो उसके अंदर हम पेस्ट को लगाएंगे, जिसके वजह से मठरियाँ बहुत खस्ता बन के तैयार होंगी। तो इस तरीके से इसका हम पेस्ट बना के ले लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें बना के ले लेना, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। अब यहाँ पे 10 मिनट होने के बाद यहाँ पे आटा पूरी तरीके से सेट हो चुका है। सूजी देखिए पूरी तरीके से फूल चुकी है। तब हम यहाँ पे हम आटे को अच्छे से मसल लेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट और मेहनत करना है इसके ऊपर। तो इसे अच्छे से मसल के ले लेना है। तो यहाँ पे इसे अच्छे से मसल के लेने के बाद अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े काटेंगे। तो यहाँ पे हम एक एक करके इवन पेड़े काट के ले लेंगे। तो इस तरीके से हमें इक्वल पार्ट करके ले लेना है और हम एक
पेड़े को लेंगे और उसे हाथ की मदद से थोड़ा सा प्रेस करके एक बेलन की मदद से एक बड़ी सी रोटी बना के लेनी है। एक पतली सी बड़ी सी रोटी हम पहले बना के ले लेंगे। तो इस तरीके से इसे बेलना है और बहुत ही पतला बेल के लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने मेथी को कितने अच्छे से पका लिया है, मेथी बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रही है और कितने अच्छे से हो चुका है ये। और हम थोड़ा सा आटा लगाएंगे नीचे, अगर आपको लग रहा है तो आटा लगाएं, वरना आप ऑयल लगा के भी इससे बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा आटा डस्ट करके फिर से हम इसे कंटिन्यू बनाना स्टार्ट करेंगे। इसे पतला सा बेल के तैयार करके ले लेना है। तो इस तरीके से लेने के बाद ये पूरी तरीके से अब तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर पेस्ट लगाएंगे जो हमने बना के तैयार किया है। तो इसे इस तरीके से इसके ऊपर हम लगाएंगे। इवन पूरी तरीके से ऐसे स्प्रेड कर देना है। तो इस तरीके से लगाने के बाद हम इसके एक साइड कॉर्नर को लेंगे और ऐसे रोल करते जाएंगे। तो इस तरीके से रोल करने के बाद हम इसे थोड़ा सा और अच्छे से रोल कर देंगे तो ताकि पूरी तरीके से सेट हो जाए। अब हम फर्स्ट वाले हिस्से को काट के अलग कर देंगे और इक्वल सभी को करके ले लेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हमें करने हैं इसके। अब हम इसे बीच में प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से आपको बीच में प्रेस करना है ताकि मेथी के लेयर्स दिख सके मटरियों के। तो इस तरीके से प्रेस करते हुए हम तैयार करेंगे। तो इस तरीके से लेने के बाद अब हम एक को लेंगे और उसे बेलन की मदद से बेलना है। ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसे बेल के ले लेना है और इसी तरीके से हम बाकियों को भी तैयार करके ले लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक बैच तैयार करके ले ली है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बैच को फ्राई करके ले लिया है जिसकी वजह से ऑयल ऐसा दिख रहा है और ये मेरी दूसरी बैच मैं फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे पहले ऑयल को हाई फ्लेम पे गरम करना है, फिर ऑयल को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे करके इसे पकाएंगे। और यहाँ पे मैं एक क्लिप को काफ़ी फास्ट करके दिखा रही हूँ, अगर पूरा प्रोसेस दिखाया तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को काफ़ी फास्ट करके दिखाया है। तो यहाँ पे देखिए ये खुद ही ऊपर आ रही हैं धीरे धीरे करके, और इसे पकाने में मुझे 6 से 7 मिनट लग चुके हैं। और ये धीरे धीरे जब करके सब के सब ऊपर आ जाए तब हम इसे एक बार चलाएंगे। ऊपर से नीचे कर देना है इन सभी को। तो इन सभी को हम एक बार पलट देंगे ताकि नीचे का हिस्सा भी पक जाए। देखिए अभी से इसके अंदर लेयर्स आनी स्टार्ट हो गई है और जैसे जैसे ये पकेगा धीरे धीरे बबल्स आने कम हो जाएंगे ऑयल में। तो इस तरीके से इसे कंटिन्यू पकाते रहना है, इसका कलर जब तक बढ़िया सा ना आ जाए और बबल्स धीरे धीरे कम ना हो जाए तब तक इसे हम कंटिन्यू इसे पकाते रहेंगे। और यहाँ पे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे। जब मेथी की मटरियाँ बनके तैयार होती हैं तो वो काफ़ी खस्ता बनके तैयार होती हैं। आप इसे कंटिन्यू 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं अगर बच जाए तो। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है, ये बचती तो नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। तो लीजिए यहाँ पे ये पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुकी है। यहाँ पे देखिए ऑयल में बबल्स बहुत ही कम हो चुके हैं और ये पूरी तरीके से बन चुकी है और इसके कलर भी आ चुका है। देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है यहाँ पे इसे, और ये काफ़ी अच्छे से बन के तैयार हो चुकी हैं। देखिए कितना बढ़िया लेयर भी आ चुका है। तब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने निकाल के ले लिया है। तो अब हम यहाँ पे एक तोड़ के दिखाते हैं आपको। तो देखिए एक एक लेयर इसकी कितनी बढ़िया से तुटके निकल रही है। मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है कि यहाँ पे मेथी की मटरियाँ कितनी खस्ता बन के तैयार हुई है। आप इसे टी टाइम में लीजिए या तो फिर आप इसे चाहे तो सफ़र पे ले जाइए, आप इसे लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये काफ़ी खस्ता बन के तैयार होती हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो तो लाइक कीजिए और चैनल पर अगर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।